क्योंकि चुनावी समय है तो बीजेपी अपना काम कर रही है, वो कभी आक्रोश रैली निकाल रही है, कभी परिवर्तन यात्रा, कभी किसी नाम पे खाने के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, किराया देने के नाम पे इकट्ठा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ऐसे पद हैं जो पार्टी से ऊपर होते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं, सबको समान देखते हैं वो, और वो आके यहाँ पर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं उस संवैधानिक पद की गरिमा को नीचे गिरा। तो परिवर्तन यात्रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बीजेपी के आपस में लड़ते हैं ये एक होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, किसी का नाम लेना तो उसको हीरो बनाना होता है उसका। दोस्तों अभी मेरे साथ मंडावा विधायक रीटा जी चौधरी ही, एक बहुत बड़ो आयोजन अशोक जी गहलोत जो कि मंडावा मारे ही, मैं जानकारी ले सूँ कि की तरीकाओं की प्रोग्राम रखे गयो है, कड़ा सी तो मुख्यमंत्री जी पहुँचेगा, कति देर को प्रोग्राम रखे गयो है। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। सब पहले तो जो मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम है अभी के बारे में जानकारी लेना चाहूँ कि कब तक तो मैं पहुँचेगा और कति देर को की कार्यक्रम रखे गयो है। बाको कार्यक्रम पहुँचना को 10:30 बजे को है, लगभग 10:30-11 बजे मैं पहुँचेगा, और जितना भी मंडावा के अंदर विकास का काम हुए हैं वह दिया ही बजट का महीना, कुछ कामों का लोकार्पण है, कुछ का शिलान्यास का कार्यक्रम है, तो लगभग 19 ऐसे काम हैं जिनका वो उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है। बिल्कुल यही चीज़ देखा कि शायद झुंझुनू में एक बार उदयपुर वाटी आया है, अभी के बाद में यो चुनावी दौर में पहलो ही दौरो है वहाँ को, और यह देख रहे हैं कि बीजेपी है लगातार उपराष्ट्रपति का एक महीना में 3 दौरा ही, प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके में देखो यह चीज़ें। हम ये कार्यक्रम जो सीएम साहब का हो रहा है ये मंडावा के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ मंडावा में पहला आयोजन ऐसा बाहर की तरफ कर रहे हैं हम लोग जिसमें मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, और चुनावी साल भी है, कुछ महीने बचे हैं चुनाव के आगे, तो लोगों में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बहुत उत्साह है उनके अंदर, और आगे से आगे वो कह रहे हैं कि हम लोग सब आएंगे और बड़े जोश के साथ हैं, क्योंकि मंडावा के अंदर ऐतिहासिक काम करवाए हैं, विकास के कामों में कोई कमी नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं लोगों को, आम लोगों को राहत पहुँचाई है, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, तो उनका अलग जोश है, तो वो उन योजनाओं के और भी मंडावा में हुए विकास कार्यों को देख के काफ़ी संख्या के अंदर लोग वहाँ पधारेंगे, और क्योंकि चुनावी समय है तो बीजेपी अपना काम कर रही है, वो कभी आक्रोश रैली निकाल रही है, कभी परिवर्तन यात्रा, कभी किसी नाम पे खाने के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, किराया देने के नाम पे इकट्ठा किया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार जितने अच्छे काम कर रही है और मंडावा में जितने विकास के काम हैं तो कोई प्रलोभन में आएगा भी नहीं, और उनकी जो सभाएं हैं उनमें भीड़ भी नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो तो 3,000 आदमी पहुँचे, और वो भी खाने के नाम पर बुलाया कि आपका खाना वहाँ पर है, तो बहुत उत्साह है। और रही उपराष्ट्रपति जी, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो बहुत गरिमा का होता है, एक संवैधानिक पद है, और बार बार आते हैं तो वो इस चुनावी साल के अंदर तो उस पद की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज़ पर एक सवाल उठाए कि एक संवैधानिक पद है बिना एक राजनेता की तरह न बनाया जाए। अब वो तो जैसे कोई व्यक्ति राजनीति के होता है, संवैधानिक पद पे नहीं होता। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ऐसे पद हैं जो पार्टी से ऊपर होते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं, सबको समान देखते हैं वो, और वो आके यहाँ पर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं उस संवैधानिक पद की गरिमा को नीचे गिराता है। बिल्कुल, यूँ पहली मंडावा में भी एक परिवर्तन यात्रा आयोजित करवाई गई ही, बी के बारे में भी देखो कि की तरीकाओं की लोग कि बीजेपी मंडावा में एकजुट होकर खुद ने एकजुट करने का प्रयास कर रही है, दिखाए जा रहे हैं जनता की मंडावा में एकजुट है। मंडावा में एकजुट है भी नहीं, और हो भी जाते हैं तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि मंडावा के लोग बहुत समझदार हैं, राजनीतिक जागरूकता उनमें बहुत है, और युवाओं में विशेषकर बहुत रुचि है, क्योंकि मंडावा के अंदर विकास के काम बहुत हुए, कॉलेजें खुली है, सड़कों का काम हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, पानी के क्षेत्र में हुआ है, तो मैं समझती हूँ आज के युवा जो हैं वो विकास को देखते हैं कि कौन से जो जनप्रतिनिधि है वो काम करवा रहा है, तो परिवर्तन यात्रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बीजेपी के आपस में लड़ते हैं ये एक होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, और मैं तो समझती हूँ परिवर्तन यात्रा में एक नेता प्रतिपक्ष एक कैडर होता है, कद होता है, और आके वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है अपने भाषण में जिसमें कोई विजन नहीं है, और वो एक आदमी को एक एक को इंगित करते हैं कि थाने की बंदी है, जबकि उनके पास कोई सबूत के तौर पे कुछ है नहीं, लेकिन उनके जो बहुत करीबी हैं
जिन्होंने समझौता करा, वो जब दारा एनकाउंटर में गए थे, फिर वो उसके अंदर उनको पहुंचाने वाले भी वही थे और समझौता करके उनको बाहर निकालने वाले भी वही थे। वो दारू का धंधा यहाँ करते हैं, उन शराब माफिया हैं, उनका सारा काम बंद करवा दिया। तो बौखलाहट में वो राजेंद्र राठौड़ को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और वो उनकी बातों पर भरोसा करके और अपने भाषण में इंगित कर देते। कोई विजन नहीं था, परिवर्तन यात्रा थी, तो उनको अपना विजन रखना चाहिए था कि हम सरकार में आएंगे तो मंडावा में ये काम करवाएंगे, झुंझुनू ज़िले में ये काम करवाएंगे, लेकिन नहीं, वो अपनी जो उनकी मानसिकता है उसका वो परिचय देकर चले गए। बिल्कुल, यह भी चीज़ की भाई मंडावा में बहुत ज़्यादा विकास का भी वादा करा जा रहे हैं और की तरीके देखो कि फिलहाल अगर जो देखा कि बीजेपी सांसद तो कहता है कि विकास का काम मंडावा का मैन हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। जब वो MLA थे तब भी कोई काम नहीं हुआ और पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, MP बीजेपी का था, MLA बीजेपी का था, प्रधान बीजेपी का था, लेकिन उस 5 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं करा जो ये कह सके कि हमने करवाया, जो मील का पत्थर साबित हो सके। एक प्रकरण पहले कुछ टाइम पहले भी चालू रोज के कि अब दोबारा बीबी की चर्चा भी करी जाए, बहुत बार बार चर्चा सामने भी आवे, राय माता मंदिर को जिसके ऊपर देखा कि ठीक ही तरीकों भी पर रखो कि वो विवाद की हो एक्चुअल में कि वो कोई बड़े विवाद हो कि विधायक जी को भी मैं कोई रोल हो, मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्योंकि ठीक खुद बड़े गया हो मंदिर में जाके लोगों भी मिला है, बातचीत भी करी है और अभी दोबारा शायद भी प्रकरण में भी हाईलाइट करने का प्रयास करे जा रहे हैं, चर्चा में ले जा रहे हैं। इनके पास मुद्दे हैं नहीं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे लेकर आएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, जाति और धर्म के नाम पर चुनाव, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार वापस आ रही है और इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। सिर्फ ये उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां से लोगों के अंदर भावनाएं भड़का सके और वोट हासिल कर सके। राय माता मंदिर आज का नहीं, बहुत पुराना है और वो एक आस्था का केंद्र है, आसपास के गांव का, कलकत्ता बॉम्बे से भी वहां पर लोग आते हैं, वो एक आस्था का केंद्र है, कोई एक विचारधारा का केंद्र नहीं है। और वहां पर ग्यांग्या सर के अंदर जब भी राय माता मंदिर का मेला भरता है, मुस्लिम भाई भी उतना ही सहयोग करते थे जितने हिंदू भाई करते थे, जबकि वो उनसे ज़्यादा करते थे और वो किसी अच्छे काम के लिए निकलते थे। वहाँ के माइनॉरिटी निकलते हैं तो राय माता मंदिर के धोखा के वो निकलते हैं। मुद्दा कुछ नहीं था, मुद्दा एक ज़मीन का, एक रास्ते का था, वो रास्ता हमेशा से आने जाने का था, लोग वहाँ से अपने खेतों में जाते थे। वो रास्ता राय माता मंदिर का जो बणी जिसे कहते हैं, जबकि पहले वो जौहर थी, बणी शायद बीजेपी का राज आया तो उसके रिकॉर्ड में दुरुस्त करवा के उसको बणी करवा दिया, पहले वो जौहर बोलता था। तो उस रास्ते को लेकर और वहाँ पे आसपास की ज़मीन, क्योंकि मंदिर माफी की ज़मीन बोल रही थी, पहले थी नहीं लेकिन बाद में रिकॉर्ड में कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है, ये मैं जानती हूँ, देखा भी है मैंने। तो वो एक हवा देने के लिए बीजेपी ने वहाँ पे अपना अड्डा बना लिया। सारे कार्यक्रम आप देख लो राय माता मंदिर में होते हैं, कोई बीजेपी का नेता आता है तो वहाँ मीटिंग करते हैं, खाना वहाँ चलता है। तो वो लोगों की धीरे धीरे वहाँ से आस्था यूँ हो रही है कि वो एक विचारधारा का मंदिर बना के वहाँ रख दिया है उसको। मुद्दा कुछ नहीं था, बस मुद्दा इनको बनाना है। अब जैसे टाई के अंदर रामदेव जी का मंदिर है, उसको एक मुद्दा बना लिया, वहाँ पर पहले एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, लोग अपने जो छोटा जो बच्चे वगैरह होते थे उनको वहाँ दफनाया जाता था, तो उसको भी एक मुद्दा इन्होंने बना लिया कि वहाँ पट्टी लगा रहे हैं, जबकि वो वहाँ पे गंदा सामान डालते थे तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने थोड़ी तारबंदी करने की कोशिश करी थी भाई, यहाँ गंदा सामान कचरा वगैरह ना डाला जाए, उसको भी उन्होंने हवा दे दी। तो ये इस तरीके के मुद्दे, जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ हमारे माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे ये असंतोष फैलाने का इनका एक प्रयास है, जिसमें सफल नहीं होंगे, मैं होने नहीं दूंगी। बिल्कुल, एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक स्टेज को कोई मंच समझाया, मंच पर भाषण देता कोई तरु वीडियो है कि एक शराब माफिया ने मेरे द्वारा गिरफ्तार करवाए हुए, अब लोगों में एक या चीज़ जिज्ञासा जानना चाहे हैं कि बक ये कार्रवाई ही और भी जनता ने के फायदों मिलो, तो मैं चाहूँगी पर भी थोड़ा सा बताया जाए। नहीं, किसी का नाम लेना तो उसको हीरो बनाना होता है, उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो शराब माफिया झुंझुनू में कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं जिले के अंदर, और जिनके पास 2 रुपए आ जाते हैं उनको ये लगता है कि मैं विधानसभा में पहुंच जाऊं, तो वो भी ऐसी हरकतें करते हैं छोटी मोटी, लेकिन जनता, मैं समझती हूं कि शेखावटी की जनता, विशेषकर झुंझुनू की जनता बहुत राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत जागरूक है, तो वो बहकावे में इतनी जल्दी आती नहीं है। की अपील मंडावा या फिर पूरा झुंझुनू की, हालांकि जो अपने राजस्थान का मुखिया जो काल बिसाऊ पूछ रहे हैं, कि अपील की रिक्वेस्ट करना चाहोगे लोग?
मैं आपके माध्यम से इतनी कहना चाहूँगी कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं बिसाऊ के अंदर, उनका दौरा है, और मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पधारें, क्योंकि उनकी जो योजनाएं, हम लोग आम जनता में जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन लोगों को जिनको लाभ मिला है उनके उनसे बात करते हैं तो वो बहुत भावुकता से कि आशीर्वाद देते हैं गहलोत जी को कि वो जिए, हमारा काम हो गया, हमारा बच्चा नौकरी लग गया, या हमारे गरीबी के दिन थे, हमें खाना मिल रहा है, या हमें अन्नपूर्णा किट मिल रही है, या स्वास्थ्य का हमें लाभ मिल रहा है, हमारी दुर्घटना में कोई बच्चा मर गया है तो उसके हमें पैसे मिलके हम लोगों को संबल दिया जा रहा है। तो ये ऐसी योजना है जो 10 बड़ी योजनाएं हैं जिन राहत कैंप के अंदर लागू करी है, जिनके गारंटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उनकी सरकार ने दी है। मैं समझती हूँ उन सबको देखते हुए और जिस तरीके के विकास का काम हमारे झुंझुनू ज़िले में, ये पूरे राजस्थान में हुआ है, तो योजनाओं को और विकास के कामों को देखते हुए लोगों को मैं समझती हूँ कि आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो उत्साह बढ़ेगा और अच्छी योजनाएं आने वाले टाइम में उनके सामने आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। दोस्तों, बातचीत करी विधायक रीटा जी चौधरी, जाना मुख्यमंत्री का दौरा के साथ में ही जो मंडावा विधानसभा में काफ़ी मुद्दा ही जो चर्चा में बनने भी लेके बड़ी बेबाकी के साथ में आपकी बात रखी है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।